दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सबका मंटू अविता चैनल में। तो आशा करते होंगे आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। और अभी हम आज ये ब्लॉगिंग शाम के टाइम कर रहे हैं और कल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से रहिए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ा, बच बचा के रहिए क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो हर काम ओके होगा, अगर तबीयत खराब हो जाएगी तो सब धरा का धरा रह जाएगा। तो अभी जो है हम यहाँ पर, हमारे यहाँ बन रहा है आलू का पराठा जो कि खुशी दीदी बना रही है मीठी वाली चटनी उधर कढ़ाई में, और आलू हम उबलने के लिए रख दिए हैं। तो आज आलू का पराठा और मीठी चटनी बनेगा, तो फिर इसके बाद उसको सब हम लोग खाएंगे। और गांव गए थे बक्सर, तो वहां से ढेर सारा आप लोग को, बक्सर जब गए थे, अरे आरा गए थे जब, सॉरी, तो आरा आप देखे होंगे कि ढेर सारा टमाटर का खेत था, तो वहां से टमाटर ढेर सारा तोड़ के दीदी दी थी, तो ढेर सारा टमाटर भी आया हुआ था। तो हम लोग कहे उसका प्रयोग कर लेते हैं, तो इसीलिए हम लोग चटनी बना रहे हैं। और अभी ढेर सारा कच्चा टमाटर भी दी थी ताकि ज्यादा दिन तक चले, तो सब कुछ रखा हुआ है। और अभी कुछ हम लोग टमाटर जो पका हुआ था उसका मीठा चटनी बना रहे हैं। हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो देखिए हम आ चुके हैं यहाँ पर, हमारा वेलकम है, वेलकम कीजिए, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अपन मुंह नहीं की देखा आज हमार वेलकम कर। दीदी बहुत खुश है, और क्यों खुश है ये आप लोग, इनके राज का बात अभी हम आप लोगों को बताएंगे। काय इतना खुश है आज आप? पेट दुखाता इसे खुशी में, इसे खुशी में, खुशी दीदी बहुत खुश है कि इनके पेट में दर्द है, बताओ भला। और इधर आप लोगों को दिखाते हैं, वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, ये बताइए मीठी चटनी, और इसमें पड़ेगा ये इतना सारा मटेरियल, क्या है, किशमिश है, दरी है, और बहुत सारे सब मटेरियल है उसमें, तो सब डाल करके मीडियम में है, तो आधा किलो हम लोग नहीं डाल पाएंगे भाई, खा के फिर लाइटिंग में थोड़े दौड़ना है। वाह वाह, क्या बात है। तो आप लोगों को पता है कि दीदी हमारी सिंगर भी है, बहुत अच्छा गाना गाती है, तो रह रहे उसी में और मिक्स करती रहती है। तब दीदी खुश का लिए बताइए, क्यों घूरना डाले, पैसा नहीं क्या मैं लगे, मतलब हम 10 रुपया अगर ना लेके जाए लिया जाए वाला जाए ना 10 रुपया पे, उनके को 10 रुपया दे वाला फाड़ल वाला लिया लोगे लगा। तो कौन लाने जाएगा, आप जाइए ले आइए, हम ले रहे हैं, और क्या, उनको काहे लिए दे रहे हैं, सही बात है, इनको शर्म नहीं आ रही, सही बात है, हम जाएं, दीदी को कहते हैं, सही बात है, हम जाएं, और क्या, आप ही जाएंगे, आज देखा था नहीं ये है छिल तरह से रूम किराया बटे तन वॉल्यूम कम करके बतिया हो अच्छा कर, देखिए हम मार दिए इनको, देखिए इतना बड़ा कल्चर से, हाँ था, जाइए जाइए, नहीं तो चीनी पर आए, देखिए युद्ध चल रहा है इधर, आए धड़ा धड़ धड़ा धड़, एक बार और बढ़िया सक्षम दीजिए आप लोग, हम भौजी भाई, अरे भौजी भाई, हम भौजी भाई, इधर देखिए इन लोगों का युद्ध चल रहा है, अभी बस चीजें कमी है इसमें, अभी हम लोग जा रहे हैं, तो लाएंगे उधर से क्या मीठा वाला गुड़, गुड़ लाएंगे, और इधर देखिए जीजा जी आ चुके हैं जो कि क्या लेने गए थे आप लोगों को दिखाते हैं, बड़ा माल मटेरियल लेकर के आए हैं, चम्मचों में मैं खाऊंगा, हाँ, इसमें खाने वाला भी सब सामान आ गया, और सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट इसमें से एक चीज था, हमारे बाबू का पैंपर्स, इनका पेट दर्द कर रहा है तो ये नहीं खाएंगे, और जीजा भी जस्ट सामान वामान लेकर के आ रहे हैं। देखिए इधर गुड़ पड़ रहा है मीठी चटनी में, अगर चीनी डाल देंगे तो खराब हो जाएगा दीदी, नहीं खराब नहीं होगा, थोड़ा अच्छा लगता है, उसका टेस्ट अलग हो जाएगा, इसका टेस्ट अलग हो जाएगा, सुन लगे ला, हो ये बात है, अलग अलग टेस्ट हो जाता है, सुन लगे ला, और ये वो ऐसा राज का बात बनो, हाँ। बता दा सबके मर्द मिले से, लेकिन हमारे मर्द की चलते हम ऐसा मर्द केहू के साथ घर दुश्मनों के ना मिले, हाँ ये दादा का हो गई, आपको खुश करने के लिए चौमिन लाए हैं जीजा, इतना खुश करे में ना अथू ना करे ना, हमारे पैसा से लिए आई हुई है, अच्छा सब तो है, सब तो आप ही का, सारा तो मलकाई आप ही को दिए है, तो उसमें कौन सी नई बात, जो है उनका सब आप ही का है, और कुछ
सब तो हरे घर द्वार लड़का फड़का जमीन जायदाद जो है उनका सब आपका है। मैडम काहे नाराज हो रही हैं? दोस्तों आज हम खुश हैं। खुश कभी खुश हो रही है कभी नाराज हो रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खा लीजिए खा लीजिए मैम प्लीज खा लीजिए। हम खोनवे ना खाई भोले मोर जाएगो। तो फ्रेंड अभी वीडियो में ब्रेक लेते हैं क्योंकि चल रहे हैं चाउमीन खाने, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। गर्मा गर्म आया हुआ है तो हम थोड़ा खा पी लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को ब्लॉगिंग करके दिखाते हैं। इधर दीदी हमारी है जो कि आज कुछ ज्यादा खुश है, खुशी के मारे का का इनको हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं की डिस्टर्ब हो गई है। ये देखिए आहा ये का है दीदी का आयल बा क्या आया है? सोरा हो सिंगार कोके देख लीजिए। ओ माय गॉड ये हमारी आई बेटे देख ले। आपका सोची ना कि हमारे क्यों नहीं गए देख ली। गलती का ले जीजा करेंगे सोच के। अरे बाप रे इतना देख के जरी ना तो इन्हें आके खाई ना बाय आके ना खाई ना खूब हम देख रहे चला। एक और बड़ा जरूरत रहा ना दीदी घाटे ताई बनी जाए सले जाके रख लिया कमरों तक होगा। गुजिया कहां दियो का जानी अपन गुजिया अपन देखे हमारा खिचड़ी आई बा। ये देखिए तो खुशी दीदी का खिचड़ी आ गया फाइनली हम लोग। अरे गजब अरे बाप रे बाप अपनी बेरी का घर पति लगा दिया हां जी आ गया मेरी यार लगी कौन लाया जी हां भैया। तो इतना सारा तिलवा लेकर के दीदी हो गई है गड़बड़ सब। मामा खिचड़ी ले लो ना खिचड़ी ले कर लो पूछिया कपड़े को वाला ले कर ले दिखन मामा से कभी तुम्हारे मामा कुछ नहीं लाए हैं तुम्हारे पापा के लिए और बाबू के लिए कुछ नहीं आया बताओ भला। हेलो भाई इनका मामा के लिए आना चाहिए ना कपड़ा। हाँ हाँ दादी लेकिन नहीं लाए बस अपनी बहन के लिए। पापा ये बड़ा ज्यादा आया जी वो तो आप ही के लिए है इनके लिए पापा बुच्छियों को नहीं किया खरीद देंगे मामा सब वैसा है। अच्छा अच्छा देख ला निमन आई भाई निमन बाबू हमारा देख रहा सोच रहा कि हमारे लिए कुछ है नहीं। देखियो ओहो कम से कम जीजो का तो चाहिए। दोस्तों देखिए आज खुशी दीदी एकदम खुशी के मारे लग रहा है डिस्टर्ब हो गई है। आज इनका खिचड़ी आ गया भाई फाइनली। हाँ बाबू के लिए तो कुछ नहीं आया बेचारे का नहीं जो बेचारा अच्छा दिया है ये बात तो है खुशी का दान महाकल्याण। और सुनिए सच्चाई सुनेंगे तब ना आप लोग आइए इधर पास में बताएं। हाँ बताइए बताइए बताइए। कोई भी इंसान कुछ देता है ना तो चाहे धागा रहे चाहे धूल माटी रहे उसको बहुत बड़ा समझना चाहिए। सही बात सुनिए इनका सबसे आ गया और हमारे घर से नहीं आया है। सही बात है ये भी बात सही है ठीक। ये दीदी के जेठान तू ध्वनि और मुंह ले बस कपड़ा मांग रहे हैं। दीदी के जेठान के भाई लेकर के वो भी इन्हें बहन मानते हमेशा लाते हैं वो खिचड़ी। ये परी की बड़ी मम्मी के गांव से आया है खिचड़ी हम लोग के लिए। हाँ पिछले साल भी आया था और इस साल भी आया है बहुत मानते हैं। गाँव से नहीं जल्दी आता है और कोई आएगा कि नहीं आएगा कोई ठीक नहीं है क्योंकि खुशी दीदी के यहाँ कोई लाने वाला नहीं है। बुढ़ा बुढ़ी है तो अपने पापा से आज पूछे कि ठंडी पार हो जाए पापा आने तो मरे से पहले हम तो रात बिरात फोन करके बतिया लियो हम सही कर लियो। अरे भाई पहले बताइए पता करो बताओ ना सीखो। हाँ हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों एक खिचड़ी आया है हमारे दीदी मैंने जेठानी जी के घर से जो कि हर साल आता है खिचड़ी। ये दो साल हो गया और पहला खिचड़ी यहीं से आ जाता है हमारे लिए इसीलिए हम बहुत खुश रहते हैं। और परी को आए चाहे न आए किसी को आया है ना आज खिचड़ी तो खिचड़ी होता है ठीक।
जिंदगी भर देने वाले हैं, देते रहेंगे चाहे ढेर दे चाहे थोड़ दे। तो इसीलिए हम बहुत खुश हैं इस चीज की लेकिन कि मैंने खिचड़ी अभी भी दो दिन पहले खुशी दीदी का खिचड़ी आ गया। खुशी दीदी बहुत खुश है, समय से पहले आ गया और अच्छी बात है इतना पहले आया। और जो है हमें लगता है कि सबके भाई पहले ही ले जाने, कुछ लोगों को टाइम नहीं मिल पाता तो थोड़ा आदमी बाद में भी पहुंचाता है। सब लोग अपने समय के हिसाब से अपना खिचड़ी पहुंचाते हैं। तो दीदी का पहले आ गया तो दीदी आज हमारी बहुत खुश है, फूले नहीं समाज रही आज इनके। आज इतना खुश है कि इनका भाव नहीं मिल रहा है। सारा सामान जो कि फैलाई थी खुशी के कारण एकदम मस्त थी, अब सब समेट कर रख रही है बोरी में, क्योंकि वो खराब हो जाएगा, सीलन लग जाएगा, हवा लग जाएगा तो खाने लायक नहीं रहेगा मुरमुरा। अब सब कुछ रखेंगे और इसके बाद चला जा रहा, खाना बनाया जाएगा। मर्द का बनाया, मर्दे खाता है कि बर्दे खाता है। तो देखिए हम अपने परी को पीसने गए थे, तो तब तक ले हमारा काम गोविंदा जी कर रहे हैं जो कि यही हमारे देवर हैं, तो ये हेल्प करते हैं, बहुत काम में हेल्प करते हैं। हम लोग पराठी नहीं पराठा बना देते। इधर हाथी का कान बना है आप लोग को, देखिए इधर हाथी का पूछ नहीं एक होता नहीं कि का हाथी की कान नहीं रोटी बने बड़ू सरे। हाँ। दोस्तों देखिए मर्द का बनाए, मर्दे खाता है कि बर्दे खाता है, देख लीजिए देख लीजिए। सबको आज खाना पड़ेगा ठीक है, नहीं कोई दूसरा जमाने नहीं है कि दोबारा जाके खाना बना ले, यही सब लोग खाएंगे। तो देखिए यही खाना बनाने वाला काम है और खाना हम लोग का बन चुका है और खाना बन चुका है, तीन छह सात है और सात रोटी बनाना है। और दोस्तों हमको गोविंदा जी मेला देखने नहीं ले जाते हैं, बहुत अथू होता है और खर्चा है कभी कभी। तो देखिए इधर एक चीज बन रहा है और उसके साथ हम लोग का क्या है, टमाटर का मीठी चटनी है, तो देख लीजिए कितना प्यारा सा है और लिट्टी है और मक्के का रोटी और सरसों के साग है न जी। हाँ। तो देखिए हमारा किचन घर इधर भी है और इधर लड़का हाथ धुल रहे हैं जो कि डस्टबिन में मेरे। तो दोस्तों आप लोगों को जैसा कि हमने दिखाया है कि खुशी दीदी का खिचड़ी आ गया तो इनका भाव नहीं मिल रहा है, एकदम कूद कूद के सबको बोरी दिखा रही है कि हमको इतना आ गया इतना आ गया, और किसी को कह रहे हैं किसी को खाने को नहीं देंगे, मगर सब हम ही खाएंगे अकेले अकेले। ठीक तो इनका तो ये हाल है, इतनी खुश है कि खुशी के मारे एकदम झूम उठी। और जो है बाकी सब तो ठीक ही है, बाबू की थोड़ा तबीयत खराब है, बाकी और सब कुछ हर कोई ठीक ही है। तो बस हम लोग अभी जस्ट यही खाना बना खा करके फिर सारा काम फुर्सत पा करके आ करके बैठे हैं और अब सोने की तैयारी हो रही है। तो ये वीडियो हम कल अपलोड करेंगे तो आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। तो इसी बात को लेकर के झगड़ा चल रहा कि हम लोग आप नहीं देंगी तो हम लोग चुपके से सप्लाई कर देंगे रात में सोने के बाद। चूहे खाते हैं ना, चूहों की तरह हम लोग भी कुतर डालेंगे सब बोरी। तो तिलवा बहुत मस्त बन करके आया है, तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। ओके दोस्तों आप लोग वीडियो ऐसे ही वॉच करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।